उसके सामने आपको आपका शक्ल देख रहा, देख उधर देख, ऐसा कर करके जा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आया हूँ आदेश गैरेज के पास और ये काम करने के लिए। दानिश की बाइक पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, वो दिखाने के लिए अभी दानिश गया है मेरा स्पोक व्हील्स लेके उसके टायर्स फिट करने के लिए। उसके बाद वो स्पोक व्हील्स यूज़ करने वाला है कुछ दिन के लिए। सो लेट्स सी एंड देखते आगे का क्या करना है। तो अभी क्या हो रहा है कि मेरे बाइक का टायर निकाल के दानिश के बाइक में डालने वाले और उसका टायर मेरे में डालेंगे और फिर दानिश जाएगा इंश्योरेंस में, या इंश्योरेंस निकालने के लिए। एक्चुअली उसका रिम बेंड हो चुका है एंड ऑलमोस्ट सेम ही है मेरा और उसका, तो उसमें अपोलो के टायर्स ही है और मेरे में भी अपोलो के टायर्स है। सो व्हाट ही सजेस्टेड वॉज कि इसको निकालते उसमें डालते इंश्योरेंस के लिए क्लेम, इंश्योरेंस निकाल लेता है फिर बाद में क्लेम करेगा। ये रहा दानिश जिसकी बाइक खराब कर गया। क्या हो गया, पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं, वो बोलते सिग्नल तोड़ के निकला, बोला सिग्नल पूरा खत्म हुआ, मेरा सिग्नल चालू हुआ, उसके सामने आपको आपका शक्ल देख रहा, देख उधर देख, ऐसा कर करके जा रहा हूँ, फिर भी बोलते सिग्नल तोड़ के गया। अरे पुलिस वाले का क्या बोलने का। अभी हम लोग जा रहे हैं दानिश के बाइक पे उधर, ये इंस्टॉल करेंगे उसके बाइक पे, फिर उसकी बाइक लेके आ जाएंगे। तो वो जाने वाला है इंश्योरेंस के लिए और उसके बाद मैं चलाने वाला हूँ एक्टिवा उसकी, और उसका जो एक्चुअल वाला एलॉय व्हील्स है वो लेके आदेश के पास जाऊँगा और उसको उसमें से डिस्क और एबीएस सेंसर निकाल के मेरे वाले स्पोक, सो उसमें से एबीएस सेंसर और डिस्क निकाल के मेरे वाले स्पोक व्हील्स पर लगा देंगे। ये रही मेरी टायर जो झोल किया इसने ना, क्या बोलने का, एक नंबर झोल। इंश्योरेंस निकालना था तो उसने क्या किया कि उसका जो रिम बेंड हुआ है वो हटा दिया, मेरा लेके गया, मेरा फिट करके फोटो वोटो खींच के आ गया है, अब वो इंश्योरेंस में क्लेम करने वाला है। देखो आए, आए। देखो यही है वो प्राणी, मुँह चुबा रहा है मेरे को, विघ्नेश मिला था अभी रास्ते में। सभी डाल रहे हैं स्पोक्स दानिश के बाइक में कुछ दिन के लिए, जब तक उसका वो वाला इधर गया, वो वाला जो है आगे दुकान के उधर वो ठीक नहीं हो जाता तब तक। तो वो रही मेरी बाइक जो बिगड़ा टायर के है, अब वो मेरी टायर वापस उसमें लग जाएगी
प्रॉब्लम ये था कि भैया हमारे इसमें डबल स्टैंड नहीं है ना, तो बोला था डाल दो कितना फायदा होता है डबल स्टैंड का, कांट जस्टिफाई बाइंग इट। देखो अभी नहीं है तो कितना तकलीफ हो रहा है। सो अभी हम लोग घर पे आ गए एंड ये रहे वो स्पोक रिम्स जो डाले हुए मेरे वाले, और टायर जो है दानिश के ही पुराने MRF के टायर्स डाले हुए, मेरे टायर्स और अलॉयज वापस आ गए हैं। अब ये रहा दानिश क्या करने वाला है, जो उसका एलॉय बेंड हुआ है वो रिपेयर करने वाला है शायद से, राइट। तो अभी हम लोग जाते हैं रिपेयर कराने के लिए उसको, बट उससे पहले ये वीडियो मैं एंड कर देता हूँ एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID दैट silentbiker_KV। चलो बाय बाय। सो दानिश का इंस्टाग्राम ID ये रहा, सो उसको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आप लोग। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं एंड आई एंड दिस वीडियो भैया यू कैन तो चलो भैया हम लोग चलते हैं आई एंड दिस वीडियो भैया यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID दैट silentbiker_KV एंड दानिश के ID को भी फॉलो कर देना। चलो बाय बाय। 4KV मेरे को भी अभी आना था भाई।